NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को. NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट, मैं हूं नेहा. आपको बता दें, मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में बेरोजगारी और आर्थिक विकास संबंधित नीतियों पर तेजी से काम करने में जुट गई है. इसी सिलसिले में मोदी सरकार ने 8 कैबिनेट कमेटियों का दोबारा गठन किया है. ये 8 कैबिनेट कमेटियां हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसका कंपोजिशन खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में रहेगा. दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन. वहीं पे तीसरे नंबर पे है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. चौथे नंबर पे कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स है. तो पांचवे पे है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स. छठे नंबर पे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है. तो सातवे पे आपको देखने को मिलेगा कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ. आठवें नंबर पे है कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट. इन 8 कैबिनेट कमेटियों का गठन दोबारा किया गया है देश के विकास के लिए. आपको बता दें, मोदी सरकार द्वारा गठित 8 कैबिनेट कमेटियों में से पिछली बार मोदी कार्यकाल में रहे गृह मंत्री राजनाथ सिंह को महज 2 कमेटियों में जगह मिली थी, वो था आर्थिक मामलों और सुरक्षा मामलों. लेकिन इस बार उन्हें 6 कमेटियों में जगह दी गई है. वहीं पे आपको बता दें, स्वयं पीएम मोदी 6 कमेटी में शामिल होंगे. अमित शाह कुल 8 कमेटियों में शामिल हैं. वहीं पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 6 कमेटियों में जगह मिली है. को बता दें, रेल मंत्री पीयूष गोयल को 5 कमेटियों में जगह दी गई है मंत्रणा के लिए. तो रेल मंत्री पीयूष गोयल को 5 कमेटियों में जगह दी गई है मंत्रणा के लिए. तो इन 8 कैबिनेट कमेटियों का गठन दोबारा इसलिए किया गया है ताकि दोबारा एक बहुत ही मजबूत नीतियों के साथ देश में बेरोजगारी और आर्थिक व्यवस्था पर विचार विमर्श करके नई नीतियां बनाई जाएं. आगे और भी खबरों के लिए आप बने रहें सिटी पोस्ट के साथ. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट.